नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। बिहार को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए तो वहीं बिहार की राजधानी पटना को एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी बनाने के तर्ज पर नीतीश कुमार लगातार एक पर एक कदम उठा रहे हैं। जहां जेपी गंगा पथ को लेकर के एक मरीन ड्राइव का निर्माण कर दिया गया और इस मरीन ड्राइव पर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा रहती है, यह एक घूमने का पर्यटन विभाग बन चुका है। जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। उस भीड़ को देखते हुए, लोगों को देखते हुए सरकार वहां पर और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश में लगी है। ऐसे में जहां पटना का विकास हो रहा है, वहीं आपको बता दें कि अब अगर आप पार्टी करना चाहते हो, बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हो, एनिवर्सरी मनाना चाहते हो या फिर कोई और पार्टी, उन पार्टियों के जश्न के लिए यूँ तो आप किसी अच्छे से और बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, तो वहीं हम आपको बता दें कि अब आप गंगा के बीचों बीच पार्टी कर सकते हैं। बता दें कि अब नौका बिहार के जरिए आप गंगा के बीचों बीच पार्टी कर सकते हैं। इसके लिए कितने रुपए आपको खर्च करने होंगे, चलिए बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि काफ़ी समय से इस पूरे मामले को लेकर के बात उठ रही थी कि यह सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि अब आप गंगा जी पर जाकर जहाज़ के माध्यम से पर व्यक्ति 150 रुपये देकर आप गंगा के बीचों बीच पार्टी कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर आप बुकिंग करवाना चाहें तो 1 घंटे के लिए आपको 3500 से अधिक रुपए लगेंगे, वहीं 2 घंटे के लिए 6500 से कुछ अधिक रुपए लगेंगे। इसी तरह से 3 घंटे 4 घंटे की बुकिंग की जा सकेगी। अधिक से अधिक 30 लोग एक बार में जहाज में आ सकते हैं और यही 30 लोगों के बीच में पार्टी की जा सकती है। तो अगर आप भी गंगा के बीचों बीच पार्टी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन अवसर है, क्योंकि अब यह अवसर आपको उपलब्ध करा रही है बिहार सरकार। क्योंकि बिहार सरकार ने यह जो फैसला लिया है, इसके बाद से अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ उधर भी देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।